कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था, केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं। मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश, स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप है। मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया, अनेक उदाहरण दिए, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं। और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम